देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, युवा जोश नई सोच खबर से न्यूज चैनल में एक बार फिर आपका ब्रिजेश पटेल के साथ स्वागत है। ले चलते हैं मिर्जापुर जिले के राजगढ़ ब्लॉक अंतर्गत रामपुर ढवई गाँव में इस्माइल पिंकी के पास। जी हाँ, वही पिंकी जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है और आज के करीब 10 वर्ष पहले लोगों में चर्चा का विषय भी बना हुआ था। आपको बता दें कि इस समय उसी इस्माइल पिंकी के घर की स्थिति दयनीय बनी हुई है। सरकार ने जितने भी वादे किए थे कि पिंकी को सारी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएगी, सारे के सारे दावे खोखले साबित हुए। आज खबर 7C के संवाददाता आशीष सिंह पिंकी के घर पहुंचते हैं तो पिंकी ने खुद अपने दर्द को बयां किया। आइए जानते हैं पूरा मामला हमारे संवाददाता आशीष सिंह की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम चलते हैं मिर्जापुर जनपद के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है रामपुर ढबई, जहाँ पे हम आपको बता दें कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी पिंकी इस्माइल के नाम से, इस्माइल पिंकी के नाम से एक मूवी बनी थी डॉक्यूमेंट्री, और एक जो है उनका जो है नाक और इसके बाद मुंह का पूरा ऑपरेशन हुआ था, छोटी सी बच्ची थी उस समय। लेकिन आज हम आपको अपने कैमरे खबर 7C चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि वही पिंकी है जिनके ऊपर जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी इस्माइल पिंकी के नाम से। तो आज यही उनका पूरा वह घर है। उस समय तो काफ़ी कुछ कहा गया था, मैं अपने खबर 7C चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ कि यही वो घर है जो कहा गया था कि काफ़ी कुछ सुविधा इनको मिल जाएगी, और इसके बाद उसमें उस समय उस मूवी को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। लेकिन आज हकीकत क्या है, हम अब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस रामपुर ढबई गांव से और ठीक इस्माइल पिंकी के घर पे हैं, और सीधे हम जानकारी लेते हैं इस्माइल पिंकी से ही हमारी मुलाकात होती है। जी बताइए कि आप जो उस समय छोटी थी तो काफ़ी कुछ कहा गया था आपको, तो क्या सुविधा आपको मिल रहा है इस समय? इस समय कुछ नहीं मिल रहा है, बस वही स्कूल का खर्चा और तो वही लोग उठा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। जी स्कूल का खर्चा कहाँ पढ़ती हैं आप? चुनार में। जी चुनार में ही पढ़ रही हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज है वो? हाँ, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में। तो हॉस्टल आपको मिलता है? हाँ हॉस्टल था, लेकिन अब बंद हो गया, अब घर से आना जाना। अच्छा हॉस्टल बंद हो गया, हॉस्टल आपको मतलब अलाउ नहीं किए थे? नहीं, वो तुझे मतलब कॉलेज बन रहा है कुछ। जी बिल्कुल। और जो सरकारी सुविधाएं थी उसके माध्यम से आपका कोई घर मकान बना? नहीं कुछ नहीं बना, बस एक ही आवास मिला है, बस कुछ जी। हाँ बस एक ही मिला है आवास, केवल एक ही आवास मिला है, बाकी जो जो कुछ भी बना है सब सारे आपके घर के पैसे। हाँ हाँ जी बिल्कुल। आइए हम उनके माता जी हैं उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराते हैं अपने खबर से उनकी चैनल के माध्यम से, कि जो आपकी बच्ची थी उस समय 2001 में जब ये हुआ था इनका ऑपरेशन, काफ़ी मूवी बहुत हाईलाइट हुई थी, ऑस्कर अवार्ड भी मिला हुआ था, तो उसमें काफ़ी कुछ सुविधाएं देने के लिए कहा गया था, क्या मिला आपको? हमके कोई सुविधा नहीं मिलल भैया, मिलल है एक घर है, वो घर में कहा कि 18,000 प्रधान हमारे खाते से निकाल के अपन कर्जा ले लेलन। जी जी। कहा कि हमार लगल हमार कर्जा दे दा, चाहे आज देबू तब कल देबू तब, तो उनको अपने हमारे घरे से पैसा ले लेलन, अपन कलन के हमार कर्जा भरे के है। हमके भैया कलन कि पानी कर दे, भई कर दे, घर बनवा दे, सीसी ढलैया करवा दे, घर तो एक कुछ को नहीं बना। जी बिल्कुल, काफ़ी मतलब हाईलाइट हुआ कि आपका घर मकान संगमरमर का बन जाएगा, ऐसा सब कुछ टाइल्स मार्बल सब कुछ लग जाएगा, ऐसी सारी व्यवस्थाएं आपको एक वादा दिया गया। हाँ, मगर कोई वादा के पूरा नहीं कहिए। जी बिल्कुल। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपके यहाँ पानी की भी समस्या है, पानी आप लोग दूर से कुएं से ला रही हैं? सब मैं दूर से हाथ दे पानी आई, न पानी का व्यवस्था बा, न रहे के देखत हुआ एक खे ये घर जौन की एहू में हमारे पैसा लग गया। जी बिल्कुल। आइए कुछ और लोग हैं उनसे जानकारी चाहते हैं जो जमीनी हकीकत आपको बताएंगे, तो आइए हम इनसे परिचय कराते हैं, इसके बाद पूरी यहाँ के हम रिपोर्ट को जानते हैं। जी भाई साहब, नाम क्या आपका? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। जी इंद्रजीत जी, ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि यहाँ पे जो आप क्या क्या जानकारी है इनके बारे में, इस्माइल पिंकी? सर, जो इनको अवार्ड मिलने के बाद, ऑस्कर अवार्ड मिलने के बाद, जो गवर्नमेंट द्वारा जो बहुत सी सुविधाएं दी गई थी इनको, कि इनके यहाँ लाए मतलब सोलर लाइट का भी लगाया जाएगा, अब इनको प्रधानमंत्री आवास दिया गया था, इंदिरा गांधी आवास जो जी, 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 वो उनको नहीं मिला है। और जो इनको पानी के लिए व्यवस्था है सर, वो पीछे से लाना पड़ता है, करीब 1 किलोमीटर दूर से इनको पानी लाना पड़ता है। जी जी। तो सर क्या है, इसमें जो इनको जो लोग वो खा गए जी, और जैसा कि माता जी ने बताया है कि इस मकान में भी उन्होंने 18,000 रुपया दिया है। जी जी। तो इनको मान के चले सर, कोई भी सुविधा इनको मिला नहीं है। जी जी। और वो जो सुविधा बता रही है बस खाली बस
पढ़ाने के लिए जो सुविधा सरकार उठा रही है बस यही सुविधा इनको मिला, बाकी सर मूल रूप से तो आप भी देख रहे हैं कोई सुविधा वैसा इनको मिला नहीं है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खबर सेवन से न्यूज चैनल के साथ आशीष कुमार सिंह, रामपुर ढबई, जनपद मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश।